गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन उर्मिला देवी पीजी कॉलेज। टुडे वी डिस्कस अबाउट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। इन प्रीवियस वीडियो प्रीवियस क्लासेस आल्सो वी डिस्कस ट्रांजिस्टर, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, यूजेस ऑफ ट्रांजिस्टर। पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया ट्रांजिस्टर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और यहाँ पे हम आपको बताते हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कि जैसे कि जब हम ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट से जोड़ करते हैं तब हमें चार टर्मिनल की आवश्यकता पड़ती है। जबकि यू नो ट्रांजिस्टर आर ए थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज इमीटर बेस कलेक्टर। इफ वी कनेक्टेड द ट्रांजिस्टर इन सर्किट वी रिक्वायर फोर टर्मिनल। दिस डिफिकल्टीज आर रिमूव विथ हेल्प ऑफ वन टर्मिनल आर कम। यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो होता है थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। जब किसी ट्रांजिस्टर को हम सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो हमें चार टर्मिनल की आवश्यकता होती है। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम एक टर्मिनल को कॉमन कर लेते हैं, तो यह डिफिकल्टी आसानी से रिमूव हो जाती है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट्स बनाने में भी लग जाइए, और वीडियो लास्ट तक आप देखें। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका सर्किट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आप नोट कर लीजिए। हम आपको बताते हैं ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज इमीटर बेस एंड कलेक्टर। इफ ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड इन सर्किट वी रिक्वायर फोर टर्मिनल। दिस डिफिकल्टी आर रिमूव वन टर्मिनल आर कॉमन। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो होता है वह क्या होता है, थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रांजिस्टर जो होता है वह थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। कि यहाँ पे आप कर सकते हैं वेल, अर्थात जब हम ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं हमें फोर टर्मिनल की आवश्यकता पड़ती है। फोर टर्मिनल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका रहा इनपुट और ये आपका रहा आउटपुट। अब आप देख सकते हैं कि दो टर्मिनल किसके लिए चाहिए, जैसे यहाँ पे आपने लिखा फोर टर्मिनल, तो फोर टर्मिनल में दो टर्मिनल आपको चाहिए इनपुट के लिए और दो टर्मिनल किसके लिए चाहिए, आउटपुट के लिए। जब दो टर्मिनल आपको इनपुट के लिए चाहिए, दो टर्मिनल आपको आउटपुट के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वन टर्मिनल, क्योंकि थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है आपका
ट्रांजिस्टर या फिर एक टर्मिनल को हम कॉमन कर देते हैं, जब एक टर्मिनल कॉमन कर देंगे तो वह एक टर्मिनल क्या होगा, इनपुट में भी होगा और आउटपुट में भी होगा। जब इनपुट में भी होगा आउटपुट में भी होगा तो आपको चार टर्मिनल मिल गए कि दो इनपुट में और दो आउटपुट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तीनों कौन से होंगे, अब देख लीजिए क्या होता है, इमीटर, बेस, कलेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। इमीटर क्या होता है, कि ट्रांजिस्टर में हमने आपको बताया था कि इमीटर कि दिस रीजन हैव ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, इस रीजन में कि चार्ज कैरियर क्या होते हैं, बहुत ही अधिक होते हैं। और बेस में क्या होता है कि कम होते हैं, कलेक्टर मतलब चार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है, यह रीजन क्या होता है, लार्ज होता है, उससे एक कम आपका इमीटर होता है, सबसे कम रीजन आपका बेस होता है। तो सबसे पहला आपका हो जाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नंबर दो आपका हो जाएगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। नंबर तीन आपका आ जाता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि थ्री टर्मिनल जो होता है, इमीटर, बेस, कलेक्टर, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में कि जब हमको फोर टर्मिनल की आवश्यकता होती है तो यहाँ पे एक टर्मिनल को हम कॉमन कर देते हैं तो दो इनपुट हो गया आपका और दो आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे पहला आपका हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोलते हैं सी बी कॉन्फ़िगरेशन, सी ई कॉन्फ़िगरेशन और सी सी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको आप नोट करिए कि ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, इमीटर, बेस, कलेक्टर। व्हेन ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड इन ए सर्किट वी रिक्वायर फोर टर्मिनल्स, दिस डिफिकल्टी आर रिमूव्ड, वन टर्मिनल आर कॉमन। यहाँ पे एक टर्मिनल को जो हम कॉमन कर देते हैं, एक टर्मिनल को जो हम कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे दो इनपुट में हो गया और दो आउटपुट में हो गया। इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए तो आपको मिला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे प्रत्येक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, तो प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन की लिमिटेशन होती है, एडवांटेज होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके भी बताते हैं कि जो इनिशियल जंक्शन होगा वो ऑलरेडी आपको फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर जंक्शन ऑलरेडी रिवर्स बायस होगा। तो आप देख सकते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे इमीटर जंक्शन ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर जंक्शन ऑलरेडी रिवर्स बायस होगा, हम आपको सर्किट ड्रा करके बता रहे हैं। हाँ, इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने आपको बताया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, तो जैसे कि ट्रांजिस्टर जो होता है थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, तो जब किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं चार टर्मिनल की आवश्यकता पड़ती है। इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं, जब यह टर्मिनल कॉमन कर देते हैं तो दो इनपुट और दो आउटपुट हमको मिल जाता है। यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम सी वी कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, जिसको सी वी कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम सी वी कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे बेस जो होगा वह कॉमन होगा और वह इनपुट में भी वर्क करेगा और आउटपुट में भी वर्क करेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन बेस आर कॉमन। हाँ,
तो अभी हमने आपको बताया इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बेस जो होगा वह क्या होगा, कॉमन होगा टू बोथ, किसमें, इनपुट एंड आउटपुट। इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में बेस कॉमन होगा और वह किसमें होगा, दोनों में होगा, इनपुट में भी होगा और आउटपुट में भी होगा। इसके बाद इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका इमीटर बेस्ड जंक्शन होगा, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन इमीटर बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर रिवर्स बायस। यदि आप देख लीजिए कि इन दिस कॉन्फ़िगरेशन बेस आर कॉमन, जैसा कि हमने आपको बताया कि बेस जो होगा वो ऑलरेडी कॉमन होगा। इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में दो इनपुट में होंगे और दो आउटपुट में, अर्थात जो बेस होगा वह इनपुट में भी होगा और आउटपुट में भी होगा। इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में इमीटर बेस जो होगा फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जो होगा ऑलरेडी रिवर्स बायस होगा। इसके पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि इमीटर ऑलरेडी क्या होगा, फॉरवर्ड होगा और कलेक्टर ऑलरेडी क्या होगा, रिवर्स होगा। यहाँ पे हम NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर का सर्किट ड्रा कर देते हैं, आपको इनपुट आउटपुट वहाँ पर क्लियर आपको मिल जाएगा। तो सिंबल ट्रांजिस्टर का जो सिंबल था हमने आपको बताया था, ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ए आपका हो गया इमीटर, ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया कलेक्टर। ये तो क्या ट्रांजिस्टर सिंबल हो गया। अब यह क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है कि PNP ट्रांजिस्टर है, अभी कुछ भी नहीं है। कैसे हम पता लगाएंगे कि NPN ट्रांजिस्टर है कि PNP ट्रांजिस्टर है, यह डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर, कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट का फ्लो होगा उस पर डिपेंड करेगा कि यह NPN ट्रांजिस्टर है कि PNP ट्रांजिस्टर है। जब फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि बेस टू इमीटर होगा तो यह ट्रांजिस्टर क्या होगा, NPN ट्रांजिस्टर होगा, जिसमें धारा बेस से इमीटर की ओर फ्लो होती है वह आपका NPN ट्रांजिस्टर होगा, और जिसमें करंट इमीटर से बेस की ओर होता है, इमीटर से बेस की ओर होता है, वह ऑलरेडी क्या होता है, PNP ट्रांजिस्टर होता है। अब हम आपको सर्किट ड्रा करते हैं, क्या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका बेस है, यहाँ भी क्या है, ये आपका इमीटर है, ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है। अभी आप देख सकते हैं NPN ट्रांजिस्टर और ये क्या रहा, PNP ट्रांजिस्टर, ये आपका NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अब ये आपका इनपुट हो गया, अब इनपुट NPN ट्रांजिस्टर में इमीटर जो है निगेटिव है, और आपने लिखा भी है इमीटर बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, जब इमीटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस है, इमीटर निगेटिव है तो निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ए इससे कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा VEB, इमीटर बेस वोल्टेज। अब आप देख लीजिए बेस क्या है, पॉजिटिव है, बेस क्या है, पॉजिटिव है, कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया VCB अर्थात कलेक्टर बेस वोल्टेज। अर्थात ट्रांजिस्टर के डिफिनेशन में भी हमने आपको बताया था कि
द ट्रांसफर ऑफ सिग्नल लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, सिग्नल का ट्रांसफर होता है लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर, ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो इमीटर बेस जंक्शन आता है, इनपुट जो है आपका फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पे जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है वह रिवर्स बायस है, यहाँ पे हम लोड लगा लेते हैं, रीजन रेजिस्टेंस लगाते देते हैं, आगे क्या हो गया आउटपुट हो गया। तो ये रहा आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी हम ड्रा कर लेते हैं, ये रहा आपका इनपुट इनपुट सर्किट। अब पीएनपी इमीटर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव, ये भी वोल्टेज क्या होगा वीईबी, वीईबी मतलब इमीटर बेस वोल्टेज आपका पॉजिटिव हो गया निगेटिव हो गया। अब बेस आपका निगेटिव है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये आपका हो गया वी सी बी अर्थात कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो आप सर्किट डायग्राम भी देख सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर इन दिस ट्रांजिस्टर बेस आर कॉमन बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, इमीटर बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर रिवर्स बायस। तो इसको सर्किट डायग्राम को आप नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, हम आपको इसके बाद जस्ट आपको बताते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे इसके बाद करंट गेन भी आपको फाइंड होगा, तो हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके बाद हम आपको सर्किट डायग्राम बताते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ देखिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन अर्थात सी ई कॉन्फ़िगरेशन। तो इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में, इस प्रकार के कनेक्शन में जो इमीटर होता है, आप देख रहे हैं इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द इमीटर आर कॉमन, अर्थात इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में जो इमीटर होगा ऑलरेडी क्या होगा कॉमन होगा टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, अर्थात जो इमीटर होगा उसका एक टर्मिनल इनपुट में होगा और एक टर्मिनल आउटपुट में होगा। क्योंकि जब हम सर्किट से कनेक्शन करते हैं तो हमको चार टर्मिनल की आवश्यकता होती है, इसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए जो एक टर्मिनल को हम कॉमन करते हैं तो आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इमीटर ऑलरेडी इसमें क्या है कॉमन है, यह इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है। यहाँ पे बेस इमीटर सर्किट, जो बेस इमीटर सर्किट होगा वह फॉरवर्ड बायस होगा, और कलेक्टर बेस सर्किट क्या होगा रिवर्स बायस होगा। तो उसके बाद नोट कर लीजिए द एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर इन सीई मोड, सीई मोड मतलब समझ रहे हैं, सीई मोड मतलब कॉमन इमीटर मोड अर्थात कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में शोन फिगर, शोन इन फिगर। इसका मतलब यह है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का किसमें कॉमन इमीटर मोड में अर्थात सीई मोड में हम सर्किट ड्रॉ करते हैं कि जिसमें इमीटर जो होगा कॉमन होगा, इनपुट में भी होगा और आउटपुट में भी होगा। आप देख सकते हैं ये आपका है ट्रांजिस्टर का सिंबल, ट्रांजिस्टर का सिंबल है इस, जिसमें क्या है इमीटर ऑलरेडी आपका कॉमन है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। अभी आप नहीं बता सकते कि यह कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है कि पीएनपी है। ये आपका बेस हो गया, इमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया, बेस हो गया, इमीटर हो गया और कलेक्टर हो गया। इमीटर ऑलरेडी क्या है आपका यहाँ पे कॉमन है, जब इमीटर आपको कॉमन है। अब इसके पहले जस्ट अभी हम आपको बताए हैं कि जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर करंट बेस टू इमीटर फ्लो हो रहा है, अगर करंट बेस से इमीटर की ओर फ्लो हो रहा है तो यह क्या होगा, तो यह ऑलरेडी एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। अगर इमीटर से बेस की ओर फ्लो हो रहा है तो यह आपका
पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, क्योंकि इससे बहुत पहले हमने आपको बता दिया था जब सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे थे, ट्रांसफर आप चार्ज कैरियर पढ़ा रहे थे, उसमें हम आपको डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट बता दिए थे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन करंट का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन करंट का फ्लो होता है यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पी क्या है? पॉजिटिव है, अर्थात बेस है, बेस से इमीटर को करंट फ्लो हो रहा था, आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब बेस इमीटर ऑलरेडी आप कॉमन है, तो इमीटर कॉमन है, अर्थात यह इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है, तो इसको कनेक्शन भी कर लेते हैं। बेस पॉजिटिव है, अभी आपने लिखा कि बेस इमीटर सर्किट आर फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल आर कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड निगेटिव रीजन आर कनेक्ट टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आर कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे बेस क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्शन, ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस, ये आपका इनपुट रहा, इनपुट ये यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है वो क्या है? VEB अर्थात इमीटर बेस वोल्टेज। और यहाँ पे आपने लिखा भी है कलेक्टर बेस सर्किट आर रिवर्स बायस, व्हाट आर रिवर्स बायस? वेल पॉजिटिव रीजन आर कनेक्ट टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड निगेटिव रीजन आर कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आर कॉल्ड रिवर्स बायस। इन दिस केस इमीटर आर निगेटिव विच आर कनेक्ट आर पॉजिटिव विच इज रिवर्स बायस, दिस वोल्टेज इज VCE कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। ये आपका यहाँ पे एक लोड लगेगा आरएल विच इज आउटपुट, ये आपको हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड, अर्थात कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को सीई मोड भी कहते हैं या सीई कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं या कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। यह सर्किट जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर का है, किसमें? इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। तो ये आपका हो गया इनपुट, इनपुट बेस निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई होगा VBE अर्थात बेस इमीटर वोल्टेज निगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे एक लोड लगेगा RL जो कि इसके थ्रू हमको आउटपुट मिलेगा, इमीटर पॉजिटिव है निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ये आपका हो गया VCE अर्थात कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। बोथ ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड, दिस सर्किट आर कॉल्ड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इन सर्किट इमीटर आर कॉमन बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, इसको आप नोट कर लीजिए, सर्किट डायग्राम को ड्रॉप कर लीजिए, जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉमन इमीटर मोड में है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ तो देखिए, इसके पहले आपको हो चुका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, आपने सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ किया, ये है आपको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि पिछले जस्ट इसके पहले हमने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर जो होता है थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, इमीटर बेस कलेक्टर होता है, तो वहाँ पे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अब है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको सीसी मोड भी कहते हैं अर्थात कॉमन कलेक्टर मोड भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉमन, अर्थात इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में जो कलेक्टर होता है वो ऑलरेडी कॉमन होता है, कलेक्टर आपका कॉमन होगा बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, अर्थात जो कॉमन टर्मिनल होता है वह इनपुट आउटपुट दोनों में होता है। यहाँ पे इमीटर बेस जंक्शन जो होगा वह फॉरवर्ड बायस होगा, अब कलेक्टर जंक्शन जो होगा ऑलरेडी रिवर्स बायस होगा, क्योंकि कलेक्टर से आपको आउटपुट मिलता है। यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम देख लीजिए, द एनपीएन ट्रांजिस्टर द
एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर इन सीसी मोड का मतलब कॉमन कलेक्टर मोड अर्थात कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन शोन इन फिगर। तो आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका हो गया ट्रांजिस्टर, यहाँ पे कलेक्टर ऑलरेडी क्या होगा कॉमन होगा, ये आपका बेस हो गया, इसको हम आप इमीटर मान लेते हैं, ये टर्मिनल आपका कलेक्टर है। अब यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है पीएनपी ट्रांजिस्टर है अभी कोई निश्चित नहीं है। अब यहाँ पे बेस टू इमीटर, अगर बेस से इमीटर की ओर करंट फ्लो हो रहा है तो यह आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर करंट जो है वह इमीटर से बेस की ओर आ रहा है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये टर्मिनल आपका कलेक्टर है, कलेक्टर टर्मिनल। तो जैसा कि इमीटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर जंक्शन ऑलरेडी रिवर्स बायस होगा, या आपका रहा एनपीएन ट्रांजिस्टर अर्थात जो इनपुट सर्किट होगा वह फॉरवर्ड बायस होगा और आउटपुट सर्किट जो होगा वह रिवर्स बायस होगा। क्या आप ड्रा कर लीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस अब क्या है निगेटिव पॉजिटिव। ये आपका हो गया वीसीबी माइनस अर्थात कलेक्टर बेस वोल्टेज, यहाँ पे आपको निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर हो गया रिवर्स बायस। यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर ये टर्मिनल आपका बेस है अर्थात निगेटिव, एक मिनट एनपीएन बेस आपको पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे सर्किट डायग्राम को कनेक्शन चेंज कर लीजिए, बेस क्या है आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया निगेटिव पॉजिटिव राइट वीसीबी कलेक्टर बेस वोल्टेज, यहाँ पे बेस आपका निगेटिव पॉजिटिव विच इज फॉरवर्ड बायस वीसीबी। ये आपका इमीटर है कलेक्टर है, यहाँ से कलेक्टर आप क्या है पॉजिटिव है, इमीटर भी पॉजिटिव है, टर्मिनल को हम चेंज कर देते हैं निगेटिव पॉजिटिव। ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस वीसीई। दोनों आप ट्रांजिस्टर देख सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर मोड, यहाँ कलेक्टर जो होगा कॉमन होगा, इनपुट में भी होगा और आउटपुट में भी होगा, ये उस वक्त आपका कनेक्शन है। तो यहाँ पे इमीटर बेस जंक्शन जो होगा फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर जंक्शन ऑलरेडी रिवर्स बायस होगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि करंट गेन जो मिलता है आपके ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके पहले आपके फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस अच्छी तरह से जान गए हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जान गए हैं, तो इसके बाद जो आपका करंट गेन होगा उसको जनरली ट्रांजिस्टर पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं, एम्पलीफिकेशन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं और ट्रांजिस्टर कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम अल्फा और बीटा भी कहते हैं। तो यहाँ से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से अल्फा मिलता है और कॉमन इमीटर से बीटा मिलता है। उसके बाद हम आपको रिलेशन भी फाइंड कराएंगे, तब तक आप इसको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लीजिए, सर्किट डायग्राम भी नोट कर लीजिए। हम ऐसा करते हैं कि आप कॉमन इमीटर कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम अच्छे समझ चुके हैं। हम आपको इसके बाद बताते हैं करंट गेन क्या होता है और करंट गेन अर्थात ट्रांजिस्टर कांस्टेंट अल्फा बीटा क्या होता है, इसमें रिलेशन क्या होता है और इसमें बेटर कौन होता है, अधिकतर
यूज कौन किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो एम्पलीफायर आप टंगस्टन आज यूज एज एम्पलीफायर की बात यूज किया जाता है, लेकिन उसमें सबसे अधिक कॉमन इमीटर ही यूज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। जब तक आप करंट गेन के बारे में अल्फा बीटा के रिलेशन के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सुटेबल होता है, कौन बेटर होता है, कॉमन इमीटर बेटर होता है या कॉमन बेस बेटर होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन का सर्किट डायग्राम। तो हम आपको बताते हैं करंट गेन। हाँ, यहाँ पर करंट गेन अल्फा एंड बीटा, जो अल्फा और बीटा होता है वह डिफरेंट ट्रांजिस्टर के डिफरेंट कॉन्फिगरेशन से हमें मिलता है। अल्फा और बीटा, अल्फा जो होता है वह मिलता है हमको कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन से मिलता है, और बीटा जो होता है कॉमन इमीटर कॉन्फिगरेशन से मिलता है, जिसको हम करंट एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। अब सबसे पहले हेड डालते हैं करंट गेन अल्फा। द करंट गेन अल्फा इज डिफाइंड एज, अर्थात जो करंट गेन अल्फा होता है वह परिभाषित किया जाता है कि द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इमीटर करंट। यहां देख लीजिए, द करंट गेन अल्फा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इमीटर करंट, जो कि इट इज द करंट गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन। इट इज द करंट गेन फॉर कॉमन बेस, जिसको हम सीबी कॉन्फिगरेशन भी कहते हैं, अर्थात दैट इज अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा। देख लीजिए आपने क्या लिखा, द करंट गेन अल्फा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट, द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट अर्थात डेल्टा आई सी फॉर द चेंज इन इमीटर करंट डेल्टा आई ई एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज, यहाँ पे कलेक्टर बेस वोल्टेज क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। यह आपका फार्मूला हो गया कि द करंट गेन अल्फा, अर्थात इट इज द करंट गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इमीटर करंट एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज अर्थात बी सी बी। यह आपका अल्फा हो गया। उसके बाद आता है करंट गेन बीटा। करंट गेन बीटा, इट इज द करंट गेन फॉर कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन
जिसको हम कॉमन 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 इमिटर या पर कॉमन इमिटर होता है, जिसको हम सीई मोड भी कहते हैं, जिसको हम सीई मोड करते हैं। इस केस में इमिटर ऑलरेडी यहाँ पर कॉमन होता है, जो कि इनपुट आउटपुट दोनों में होता है, तो जिससे हमें करंट गेन बीटा मिलता है, जिससे हमें करंट गेन बीटा मिलता है। इट इज डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। इसका मतलब कि जो करंट गेन बीटा होता है वह कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है, और यहाँ पे जो करंट गेन परिभाषित किया जाता है बीटा, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। इस केस में इमिटर और कलेक्टर वोल्टेज जो होता है ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, यह बीटा से डिनोट किया जाता है। बीटा इक्वल टू होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, और इस केस में कलेक्टर इमिटर वोल्टेज जो होता है वह कांस्टेंट होता है, अर्थात द रेट द चेंज रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करेंट टू द चेंज इन बेस करेंट एट कांस्टेंट कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, इट इज कॉल्ड करंट एम्प्लीफिकेशन बीटा और ट्रांजिस्टर पैरामीटर बीटा। इट इज़ द करंट गेन फॉर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम आपको डिराइव कराते हैं कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, कौन सा करंट गेन, कौन सा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर सबसे बेटर होता है, इसको हम आपको बताते हैं। हाँ, तो अभी हमने आपको बताया कि करंट गेन अल्फा और बीटा, करंट गेन जो अल्फा होता है इन कॉमन इन बेस कॉन्फ़िगरेशन, करंट गेन अल्फा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इमिटर करंट आर कॉल्ड करंट गेन अल्फा, एंड करंट गेन बीटा क्या होता है, जिसको एम्प्लीफिकेशन करंट एम्प्लीफिकेशन बीटा भी कहते हैं। इट इज द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। तो यहाँ पे आप अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसको हम निकालेंगे और सिद्ध करेंगे। 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई साल ऐसा नहीं है जिस साल यह कभी एग्जाम में पूछा न गया हो, हर साल ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसके पहले हम आपको फार्मूला भी बता दिए हैं, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। इक्वेशन इसको फर्स्ट बना लेते हैं, क्योंकि अल्फा का डिफरेंशियल भी हमने आपको लिखाया, फार्मूला भी लिखाया, एंड आल्सो वी नो दैट और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बीटा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फिर आपको हो गया अल्फा हो गया एंड और बीटा हो गया। ट्रांजिस्टर के केस में आपको हमने बताया भी था, पढ़ाया भी था, क्या आप जानते हैं आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। यहाँ से डेल्टा आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा
आईसी, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 18 बना देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से क्या है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपन डेल्टा आई ई है, तो यहाँ से डेल्टा आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा आई ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई सी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा आई ई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो डेल्टा आई सी है यहाँ पे क्वेश्चन थ्री में डेल्टा आई सी है, उसी का स्थान क्या रख देंगे, ये वैल्यू हम रख देंगे, तब क्या हो जाएगा, देन अब यहाँ से डेल्टा आई सी जो मान है, यहाँ पे डेल्टा आई सी है तो ये मान कहाँ हम रख देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में हम रख देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन किससे, इक्वेशन नंबर थर्ड से हो जाएगा डेल्टा आई बी इज इक्वल टू, डेल्टा आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई ई माइनस एल्फा इंटू डेल्टा आई ई, ये हो गया। अब यहाँ का क्या करेंगे, आई ई यहाँ भी है, आई ई यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा आई ई हम कॉमन ले लिए, क्या बचा, वन माइनस एल्फा बचा, किसके बराबर, डेल्टा आई ई के बराबर। अब इसको इक्वेशन नंबर फोर बना लेते हैं, चलते हैं। अब करेंगे क्या, डेल्टा आई सी से दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब कर देंगे डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा आई सी। अब डेल्टा आई सी से दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा आई बी अपान डेल्टा आई सी इज इक्वल टू डेल्टा आई ई अपान डेल्टा आई सी, ये हो गया वन माइनस अल्फा। अब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को आप देखिए, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या है, डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई ई, बीटा इक्वल टू क्या है, डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई ई, ये आई बी है, डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी है। अब यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, समीकरण एक एवं दो से हम देखेंगे डेल्टा आई बी अपान डेल्टा आई सी क्या हो जाएगा, वन अपान बीटा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा आई अपान डेल्टा आई सी हो जाएगा वन अपान अल्फा, ये क्या हो गया, वन माइनस अल्फा। इसको हम सिक्वेंस कर लेंगे तो हो जाएगा बीटा इक्वल टू अल्फा अपान वन माइनस अल्फा, एक रिलेशन आपको ये मिल गया, बीटा इक्वल टू अल्फा अपान वन माइनस अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर हम फाइव बना देते हैं। अभी आपको प्रूफ क्या करना है, वन माइनस अल्फा वन प्लस बीटा इक्वल टू वन आपको प्रूफ करना है, तो इसको नोट कर लीजिए, हम आपको बताते हैं बीटा इक्वल टू वन माइनस अल्फा वन प्लस बीटा इक्वल टू वन कैसे आएगा, ठीक है, तो हम आपको बताते हैं, पहले आप इतना तक नोट कर लीजिए, तो इसी के बाद हम आपको ये प्रूफ कराएंगे वन माइनस अल्फा वन प्लस बीटा इक्वल टू वन कैसे आता है। अभी एक रिलेशन आया है बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, इसको आप नोट करिए। हाँ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए बीटा का आपको मान मिला बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, विच इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यह क्या है, अल्फा और बीटा का एक रिलेशन है, बट आपको प्रूफ क्या करना है, वन माइनस अल्फा वन प्लस बीटा इक्वल टू वन, तो इक्वेशन नंबर फाइव में दोनों साइड हम वन को ऐड कर देंगे। यहाँ लिख दीजिए ऑन एडिंग वन बोथ साइड वी गेट, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम एक को जोड़ देंगे। अब देखिए क्या हो गया, वन प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, वन प्लस अल्फा अपान वन माइनस अल्फा। फ्रैक्शन तो आप सॉल्व भी कर सकते, भिन्न आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान वन माइनस अल्फा। अब यहाँ क्या होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपको वन प्लस बीटा है, यहाँ पे बचा इक्वल टू वन अपान वन माइनस अल्फा, आपको क्या मिल गया, वन प्लस बीटा
वन माइनस अल्फा इक्वल टू वन, यही आपको सिद्ध करना है। ये भी क्या है, अल्फा और बीटा में रिलेशन है। आपके एग्जाम में पूछता है कि डिफाइन करंट गेन अल्फा एंड बीटा एंड आल्सो डिराइव रिलेशन बिटवीन देम, तो दोनों में आपको रिलेशन फाइंड करना होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सो दैट वन माइनस अल्फा वन प्लस बीटा इक्वल टू वन और सो दैट बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, तो आपको यहाँ से देखने में ही लग गया होगा आपको जो मिलता है क्या फार्मूला मिलता है, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा मिलता है और अल्फा इक्वल टू मीटर मिलता है बीटा अपॉन वन प्लस बीटा मिलता है। ये आपको रिलेशन आता है। डिफिनेशन भी हमने आपको बताया क्या होता है कि जो बीटा मिलता है वह कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन से मिलता है जबकि अल्फा जो मिलता है वह कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से मिलता है। तो यहाँ पे अत्यधिक एम्पलीफिकेशन के रूप में जैसे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर आपने यूज किया मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में, मतलब कि अधिकतर आपको कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है क्योंकि जो उसका करंट गेन होता है वह हाई द यूनिटी होता है, मतलब उसकी जो करंट गेन होगा वह वन से अधिक होता है जबकि बीटा अर्थात कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो आपको मिलता है वह लेस देन यूनिटी होता है, लेस देन यूनिटी और हाई देन यूनिटी से अत्यधिक कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है। आपका रिलेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम आपको इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल करा देते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आपका न्यूमेरिकल देख लीजिए, जो भी हमने आपको बताया अल्फा और बीटा का रिलेशन और करंट एम्पलीफिकेशन अल्फा और बीटा का डिफिनेशन भी हो चुका, उसका फार्मूला भी हो चुका, उसका रिलेशन भी हो चुका, आप न्यूमेरिकल कर देंगे तो आपको बेटर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कांस्टेंट अल्फा और ट्रांजिस्टर 0.9, तो सॉल्यूशन देख लीजिए। गिवन है, सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या हमें दिया गया है, क्या निकालना है। गिवन है इसका कांस्टेंट अल्फा और ट्रांजिस्टर 0.9, यानी कि कांस्टेंट इसका कोई यूनिट नहीं होता है, अर्थात अल्फा इज इक्वल टू दिया गया 0.9। वाट भी करंट इन द कलेक्टर करंट, अर्थात कलेक्टर करंट क्या होगा, अर्थात आईसी चेंजिंग कलेक्टर करंट क्या होगा, तो यही हमको निकालना है। करस्पॉन्डिंग टू ए चेंज ऑफ 4 मिली एम्पियर इन द बेस करंट, अर्थात डेल्टा आई बी हमको क्या करना है, दिया गया है 4 मिली एम्पियर दिया गया है इन ए कॉमन मीटर अलाइनमेंट। कॉमन मीटर अलाइनमेंट में आपको आई बी को डेल्टा आई बी मान 4 मिली एम्पियर दिया गया है, अल्फा मान 0.9 दिया गया है, डेल्टा आई सी हमको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको हमने फार्मूला भी बता दिया है, फार्मूला आप भी कर चुके हैं, तो वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, ये आपका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बीटा निकाल लेते हैं, बीटा हम पहले क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम क्या निकालना है, चेंजिंग कलेक्टर करंट निकालना है, ये अल्फा मान आपको दिया गया है, मान लीजिए अल्फा मान क्या है 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.9, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9, ये क्या है आपका कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है। अब एंड आल्सो वी नो दैट, एंड आल्सो वी नो दैट जानते हैं बीटा इक्वल टू डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई बी, या जानते हैं कि बीटा इक्वल टू डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई बी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि बीटा इज द करेंट गेन
for common meter mode of common meter configuration, which is defined as the ratio of changing collector current to the changing base current, which is also called current amplification factor. अब यहाँ से इंप्लाइज है डेल्टा आई टी इक्वल टू हो जाएगा बीटा इंटू डेल्टा आई टी. अब बीटा मान दिया तो मिला है, क्या मिला है? नहीं, डेल्टा आई टी मान कितना मिला था, कितना दिया गया है? 4 मिली एम्पियर, अर्थात कितना हो गया? 36 मिली एम्पियर. कितना मान हो गया डेल्टा आई टी का, यदि आई टी को वैल्यू पूछता है को आगे का डाउट देख लीजिए क्या दिया हुआ है. कांस्टेंट अल्फा ऑफ ट्रांजिस्टर 0.9, अर्थात अल्फा मान दिया गया 0.9 वाट टू बी सचेत इंटर कलेक्टर करंट. अर्थात कलेक्टर करंट क्या होगा, सचेत कलेक्टर करंट ये आपको फाइंड करना है. इसका दिया गया है चेंज ऑफ 4 मिली एम्पीयर इंटर बेस करंट, अर्थात चेंजिंग बेस करंट का मान दिया गया है. आपको निकालना है चेंज कलेक्टर करंट निकालना है. तो सबसे पहले आप बीटा निकाल लीजिए. बीटा इक्वल टू होता है अल्फा पावर 1 माइनस अल्फा, यहाँ 0.9 हो गया, 1 माइनस 0.9 तो मिल गया आपको 9. अब यहाँ से बीटा इक्वल टू होता है डेल्टा आई पी पॉइंट डेल्टा आई बी. अप्लाई कर देंगे डेल्टा आर पी इक्वल टू हो जाए बीटा इंटू डेल्टा आई बी, तो हम वही कर देंगे आ जाए 36 मिली एम्पीयर. तो ध्यान दीजिए आज मैं आपको बताया ट्रांजिस्टर कॉन्फिगरेशन, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कलेक्टर एंड करंट गेन, अल्फा एंड बीटा एंड उसमें रिलेशन, और उससे हमने आपको न्यूमेरिकल भी कराया जिससे कि आप पूरी तरह से हम आशा करते हैं आप संतुष्ट हो गए होंगे. अच्छे टॉपिक को मिल आ गया होगा. जो भी प्रॉब्लम होगी, जो टॉपिक आपको नहीं आ होगा, कमेंट आप कर सकते हैं. इसके बाद ये आपका बीएससी का पूरा टॉपिक समाप्त होता है. उसके बाद कुछ टॉपिक हैं जो बीएससी फाइनल में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. कुछ जैसे फोटो डायोड है या डीडी है, सिग्नल डायोड है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्ट्रक्चर नहीं है, जिसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. तो हर क्लास वाले बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दे सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर का है तो सेकेंड वाले में देखें या फाइनल का है सेकेंड ईयर में देखें. आप जो भी ज्ञान है सब अच्छे तरीके से आप उसको ग्रहण करिए, हमेशा आगे बढ़िए. थैंक यू.